आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। रविवार को अलीगढ़ में पैसेंजर गाड़ी के 3 डिब्बे अचानक पटरी से उतरने पर बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे की सूचना से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। पैसेंजर ट्रेन दिल्ली से कानपुर के लिए जा रही थी। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप बाबा बर्शी बहादुर दरगाह के पीछे अचानक ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरने की सूचना पर रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में रेलवे के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और घटना के कारणों की जांच पड़ताल में जुट गए। बताया जा रहा है कि दिल्ली से पैसेंजर ट्रेन के अंदर कुछ लोग सामान लेकर प्रतिदिन अलीगढ़ आते हैं, जहां रेलवे स्टेशन से पहले वह लोग सामान को चलते हुए ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। आज भी वह लोग सामान को नीचे फेंक रहे थे। इसी दौरान कुछ सामान ट्रेन के पहिए के नीचे आ गया और इसके चलते ट्रेन के पिछले हिस्से के 3 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। घटना से ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया। रेल प्रशासन के अधिकारी घटना के बाद टूटी हुई पटरी को सही करने के लिए ट्रेन यातायात को सुचारू करने में जुटे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ट्रेनों के अंदर इस तरह से अवैध रूप से सामान की आवाजाही पर कब रोक लगेगी, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था। सूत्रों की अगर माने तो चंद पैसों के लिए रेलवे में तैनात सुरक्षा कर्मी यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं हादसे के बाद दिल्ली हावड़ा रूट बाधित हो गया, जिसे सुचारू करने के लिए रेलवे प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे के अंदर रूट को सुचारू कर दिया जाएगा। तो डब्बा उतर गया कोई? हाँ, डब्बा उतर गए दो। आप कहाँ से कहाँ जा रही हैं? हम धनकौर से सुखावाद। तो अब क्या परेशानी हो रही है अब आपको? अब यही परेशानी हो रही, पहुँच ही ना पाए, उतर गए अलीगढ़। दिल्ली से अलीगढ़ आ रही है और उनका जैसे देखा हुआ है डेवलपमेंट हुआ है थोड़ा नीचे का। क्या वजह क्या रही इस डेवलपमेंट के पीछे? इन्वेस्टिगेट करके सबको बताई जाएगी, ठीक है। सस्पेक्ट की वजह आप देख रहे हैं, पीछे जो है कपड़ा गिरा हुआ है, खान भी आ गया निकला हुआ है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, फिर बताया जाएगा। क्या ऐसा भी लग रहा है कि जो माल के अंदर अवैध रूप से सामान लेके आते हैं उसे उतारने के बाद ऐसा? उसके लिए जाँच किया जाएगा, जाँच करने के बाद रिपोर्ट आएगी। अभी हमारा मेन काम है ट्रैफिक रिस्टोर करना है, जो डैमेज हुआ है उसको सही करना है, उसमें अभी सहयोग। सर ट्रैफिक कितनी देर रुका अभी तक? कहाँ गया वो? अभी हम चालू करने की सोच रहे हैं, कौन से अल्टरनेट तरीके से इसको चालू किया जाए और रिजर्वेशन की टीम अंदर लगा। कितने कितने डिब्बे उतरे थे? डिब्बा उतरा हुआ है, फाइल अभी कुछ नहीं, अभी तक कोई बारी नहीं। आदमी कहाँ गया? ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? दिल्ली से अलीगढ़ आ रही थी। कौन सी ट्रेन थी? 64-152। सर क्या FIR होंगे उनके खिलाफ? जिनके अगर कारण बता रहे हैं, क्या ये संभव है कि एक मामूली से कपड़े ट्रेन को फेल करा सकते हैं? इसको जांच करके सभी को बता दिया जाएगा। CRO हो जाते हैं, सारण गाय इतने बड़े आ जाते हैं, तब तो नहीं होता। देखिए ये सब डिपेंड करता है किस तरह की सिचुएशन पैदा हुई है, कैसे पैदा हुई है, क्या कारण रहा है, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट करके ही।